सीआई के गुना शिवपुरी संसदीय सीट से मनीष श्रीवास्तव होंगे उम्मीदवार। आज एक प्रेस वार्ता कर इस बारे में जानकारी दी गई। एससीसीआई ने 20 राज्यों और 3 केंद्र शासित सीटों से 119 उम्मीदवारों को उतारा है, जिनमें से गुना से मनीष श्रीवास्तव को एससीसीआई ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ये क्या प्रोग्रेस कर रही है? इसलिए हम क्या चाहते हैं कि अगर सांप्रदायिकता को जड़ से खत्म करना है तो इस कंटेंट को, इस समझ को, इसलिए कांग्रेस बीजेपी दोनों इसमें सांप्रदायिकता के कंटेंट जो सात तत्व तो अगर इंसान के दिमाग में रहे, समाज में बना रहे, सांप्रदायिकता का विरोध नहीं। जो सेकुलर कॉन्सेप्ट है जिसमें फॉर्म राजनीति अलग होनी चाहिए। देखिए, जैसे मैं बताया, पिछले 70 साल में लगभग आज़ादी के बाद हम 17 बार या 17वीं चुनाव में हम वोट डालने जा रहे हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, आम जनता की जो हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर हुआ है। गरीबी, भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी काफ़ी तेजी से बढ़ रही है और पूंजीपतियों के अमीरी और बढ़ रही है। आज हमारे देश के 1% आबादी के पास 73% संपत्ति पहुंच चुका है। और ये सब हुआ है हमारे देश में मुख्य रूप से जो सरकार में रहे हैं, कांग्रेस, बीजेपी और अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी है, इनके पूंजीपति परस्त नीतियों के चलते हुआ है। इसका एक ही विकल्प है कि क्रांतिकारी जन आंदोलन, आम जनता को, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों को संगठित करते हुए क्रांतिकारी जन आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए और इसी आंदोलन के माध्यम से देश में क्रांतिकारी परिवर्तन को भी लाया जाए। हम ये आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, ये क्रांतिकारी जनसंघर्ष को, जन आंदोलन को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी संघर्ष की प्रक्रिया में चुनाव हमारे सामने है। और इस चुनाव में हमने यहाँ गुना से कमांडर मनीष श्रीवास्तव को उम्मीदवार घोषित किया है। अब कमांडर मनीष श्रीवास्तव अगर चुनाव में जीतते हैं, वो भी इसी संघर्ष को आगे लेके चलेंगे। जैसे हम मैदान में, सड़कों पर चुनाव, सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, अगर हम चुनाव जीतते हैं, हमारे ये संघर्ष संसद के अंदर भी होगा। यही हमारा उद्देश्य है और इसमें हम चाहेंगे कि आम जनता इसमें हमको साथ दे ताकि जन आंदोलन और ताकत पा।